कोई बात है ही नहीं बताऊं क्या? यूं कह रहा था गोद बच्चा है क्या वो? यूं कह रहा था गोद में सरक के लेटी हुई जम्मी। मैं तो ऐसे सुन बताऊं तुझे रोने से कुछ नहीं होगा, एक्शन लो कुछ ना कुछ। मैं तो पुती चलता रहा हूँ घर पे, कलेश हो जाएगा। कलेश होएगा सच बात बता क्या है, बिना मतलब की बातें मत बता। सच बात ही ये, सच तो उसने मुझे बताया। क्या बताया? कि तुम वहाँ पार्क में बैठे थे। हाँ पार्क में बैठ गया, रहते ही होंगे फिर। दिल्ली गए ब्रो, रहते ही दिल्ली गए। और मैं छोड़ो वैसे, दिल्ली गए ब्रो छोड़ो वैसे, रहते ही होंगे दिल्ली गए। इधर आ जा तू, फोन दो। इधर आ जा तू, दिमाग ना खराब रहे। फोन दे दो मुझे। नहीं नहीं आ रहा किसी की। फोन दो पहले उधर, फोन दो। तो हेलो गाइस, दिस इज बॉय ताभिषेक एंड यू वाचिंग माय चैनल ताभिषेक व्लॉग। दोस्तों आज का जो प्रैंक है वो अपनी मम्मी और पापा दोनों के साथ करने वाला हूँ। दरअसल प्रैंक ये होगा, हिंट दे देता हूँ कि मैं अपनी मम्मी को बोलूंगा कि पापा किसी लेडीज के साथ कहीं पार्क में बैठे थे, और बस उसके बाद रिएक्शन देखना काफी अच्छा लगेगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि मम्मी पापा बहुत कम लड़ते झगड़ते हैं, तो थोड़ा उकसाने के लिए उनको टाइम लगेगा। वीडियो को एंड तक देखना, स्किप मत करना। वीडियो में मजा आए तो एक लाइक शेयर कमेंट कर देना, और प्यारा सा कुछ भी दे देना अपनी तरफ से, मतलब बोल देना अच्छा सा। और हाँ, वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, वीडियो को कंप्लीट देखो। और मैं बताता हूँ, अभी मैं ऑफिस से आया हूँ तो थोड़ा सोचा कि क्यों ना उनके साथ प्रैंक किया जाए। अभी फ्रेश व्रेश हो गए, कपड़े वपड़े चेंज करें, और कुछ खुराबाती माइंड में आ गई थी, तो कैमरे को मैं अच्छी जगह से सेटअप कर लूँगा। लोकेशन मैंने देख ली, कैसे चुकाना है। बस ये कि अब वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखना, और जैसे मुझे प्यार दे रहे हो उसके लिए थैंक यू सो मच। इतनी उम्मीदें नहीं थी कि इतना प्यार मिलेगा, बट आप लोग दे रहे हो तो दिल से थैंक यू लोग। और वीडियो को एंड तक देखना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। बाय। A few moments later. अगर आप सोना खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है, सोने के भाव रिकॉर्ड तोड़ गिर गए हैं। फिर बढ़ गया क्या सोना? सस्ता की सस्ता हो गया। गिरावट, नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से गोल्ड अपडेट। बाद में खा लेते हैं, खा लेना। सोने में क्या होगा? अब तुम्हें खा ले रोटी, पानी पानी तो ले। ओहो गिर गया, चलो कर दे इसमें पानी। गिर गया ये, क्या हो गया? सब्जी गिर गई इसमें, ढंग से नहीं खा। मेरा मन नहीं था इनमें। खा ले, कितनी देर होगी? आज तो बहुत लेट आया, मगा बहुत लेट आया, क्या बात। वो ट्रेन छूट गई थी इसमें रख लेना, इसमें रख लिया। हाँ कर लो। नमक तो है नहीं इसमें, नमक ना, नमक मंगाओ ना ना। गोल्ड फिर बढ़ गया, कम हुआ, क्या होगा? 45। पहले कितना था? 22 रेट तो 56 तक हो गया था। अच्छा, कितने लग रहा है? बनवा लो फिर कुछ छोटा मोटा, बनवाएंगे तो देख रहे मजदूर और थोड़ा सस्ता होगा। अच्छा पापा, उसका फ़ोन आया था मेरे दोस्त का आज सुबह, कह रहे तुम पार्क में गए थे तुम्हारा मम्मी। मैं कहाँ से पार्क में जाऊँगा, वो भी तेरी मम्मी को लेकर। मैं भी तो वही सोचूँ, मैंने कहा पता नहीं कब से इतने तुम घूमने फिरने वाले हो, कभी तुम्मी को लेकर आज तक गए नहीं तुम पार्क में। कह रहे थे कि हम क्रिकेट खेल रहे थे, अंकल को देखा था वहाँ पे, आंटी के साथ बैठे थे। कौन कह रहा? मेरा दोस्त सचिन। हाँ कह रहा कि सुबह क्रिकेट खेलने जाते ना वो, कह रहा कि अंकल वहाँ अंकल आंटी बैठे थे पार्क में। कहते मैं तो आंटी सोच रहा था कि एज जीत पाएगी जैसे तुम हो इतने बड़े बड़े, लेकिन मम्मी तो बड़ी जवान सी लग रही थी, गोरी चिट्टी। मैंने कहा मम्मी गोरी चिट्टी है हमारी। कौन से पार्क में? इसमें लेजर वैली पार्क में। कद कद कल तेरे दोस्त की आंखें ठीक हैं? तेरे दोस्त क्या क्या ठीक हैं? मैंने पूछा था, मैंने पापा गए, पापा कैसे जाएंगे? मैंने कहा आज तक जिंदगी में नहीं गए मम्मी को लेके पापा पार्क में, पता नहीं क्या आ जाऊंगा मैं। मैंने पहचान पापा को जानता हूं, मैंने पापा को जानता है। कह रहा अच्छा क्यों नहीं जानते, पहचानते नहीं है? मुझे तो सालों हो गए इनके साथ कहीं गए हुए। अरे
किसको लेकर बैठे थे? माकरा बेटा। अच्छा और सचिन जानता नहीं तुम्हें? नमक नहीं है क्या? मैं नमक लेकर आता हूँ। हाँ नमक लेकर आऊंगा, रुकिए। सचिन जानता नहीं क्या तुम्हें? फिर जानता होगा। फिर तो पार्क में किसके साथ बैठे थे ये तो बताओ, उसने क्या झूठ बोला? मतलब किसी ने कह दिया और तू जो है अपने चालू हो गई। वो तुम्हें जानता है? जानता है तो मैं तो ऐसे ही फोन कर देगा तब्बू के पास आंटी के साथ बैठा अंकल। बेकार की बेकार की बातों पर ध्यान ना दे। बेकार की बात थोड़ी ना, बताओ तो किसके साथ बैठे थे? बेकार की बातें ये, कहीं वो तो नहीं थी? वो कौन? वो जो काम करते थे पहले दुकान पर हमारे, उसके साथ जो है तुम्हारा? बैठ जा चुपचाप, बैठ जा, बेकार की बात नहीं ध्यान। बेकार की बात नहीं है, मैं फोन करके पूछूंगा सचिन को। तू कहां किसकी बात तुम्हारी, छोड़ ना तू। वो झूठ बोल रहा क्या? तुम भी ऐसी बात करो। झूठ ना बोल रहा होगा, फिर धोखा लग जा रहा है। मैं दुकान से हिलता भी नहीं अपनी जान है वो, तुम्हें हिलता भी नहीं जान है ना, जब मैं दुकान से हिलता भी नहीं। हिलता भी हिलता। अच्छा चोंच बंद रख, फालतू नहीं। फोन करूंगी मैं उससे, पूछूंगी किसको? सचिन से फोन करके पूछूंगी। वो जानते नहीं तेरे पापा को? जानते। फिर तुम नहीं गए थे क्या? मैं कहाँ गई थी? तो कौन था फिर? मुझे क्या पता, ये बताऊंगी कौन था। कौन था वो? अबे मैं भी ना गया खामखा, तू बेकार की बातें। नहीं पहचानता वो तो, तुम्हें अच्छे जानता है वो तो, कितनी बार तुम्हें मिला भी है। पहचानता होगा, मैं ना इतना दुकान से। वो मुझे नहीं जानता लेकिन तुम्हें जरूर जाना है। वो पूछ लिया फोन करके, मैं ना था। कल तुमने चेक की शर्ट डाल रखी थी क्या? हाँ चेक की डाल रखी थी। वो ये कह रहा था कि चेक की शर्ट डाल के बैठे हुए थे। मैंने प्रेस करके दी थी। वो कौन थी नु तो बताओ, मेरा दिमाग ना खराब करो। अब तुम्हें अपने और बातें कर लो। मतलब तुम्हें जो है ये अब सूट कर रहा है, ऐसे ऐसे काम सूट कर रहे पार्क? क्या कौन से काम? पार्क में घूम रहे हो, लड़कियों के साथ बैठे हो, ये अच्छा लग रहा है तुम्हें? माफ कर, कोई लड़की वड़की की बेकार की बातें मत कर। लड़की ना लुगाई होगी कोई तो होगी, कौन है? जब मैं कह रहा मैं गया ही नहीं। क्या बात है पापा, किसके साथ घूम आए बताओ तुझे? हल तो बोले किसके साथ गया होगा? मजाक ही तो कर रहा हूं। मजाक काहे का मजाक? अब तो बैठे होंगे तभी तो उसने देखा। सचिन को बता दूंगा मैं। सचिन को क्या बता दूंगा? खामा का बिना मतलब की बात बता रहा है। उसने देखा होगा, अम्मी देख लो। फोटो खींच रखा कोई? किसने फोटो खींच रखा उसने मेरा? फोटो क्यों खींचेगा? तो उसको तो लगा अम्मी पापा इसके। अब मुझे पता है इनका। क्या पता है? क्या पता बताओ। अम्मी को सारा शक है। घूमते रहे तुम पहले भी, कई साल पहले भी मैंने तुम्हारे बारे में सुनी थी। जब भी मुझे किसी ने बताया था मैंने, फिर भी ना सोचा मैं चल जाना तो कोई बात ना। तो ऐसा है बेकार की बात पर मत कर बहस। खामा का मेरा जब भी मैंने ये सोच के छोड़ दे बेकार की बातें, जब भी तूने छोड़ दिया? हाँ मैंने छोड़ दी थी बात। मैं चलो कोई बात नहीं, लग गया होगा धोखा किसी। छोड़ ऐसा अम्मी ने मुझे कोई है भी, मैंने बताया था तब्बू को। मैंने अम्मी ने कई बार मेरे आगे डिस्कस भी कर इस बारे में। किस बारे में? कि कुछ ऐसा ऐसा मुझे शख्स है। जब भी मुझे किसी ने बताई थी। शख्स है? किस चीज का शख्स है? शर्म नहीं आती बताओ, इस उम्र में इतने बड़े बड़े बच्चे। मैं मेरे क्यों मार रहे हो तुम यार? बुलवाते रहे, शर्म नहीं आती। नू मार पीटने से कुछ हो जाएगा क्या? एक बच्चों को अच्छा मैं नहीं था बोल बोल के जाए, जुबान बंद करवाना चाह रहे बाल। मैं नहीं था। जब मोबाइल में क्यों घुस रहे हो? आंखें आई कॉन्टेक्ट करके बात करो ना। ले क्यों करने सीखा होगा? और क्या करने सीखा होगा? हम आप बेकार की बात बता रहे, जब मैं नहीं था। अरे मार के छेद के बच्चों को चुप करवा दोगे? सच्चाई बदल जाएगी तो पावेगा। मैं फालतू जो है बात नहीं करना चाह रहा। तो बात नहीं करना चाह रहे, बताओ तो। क्या बताऊं? वो कोई बच्चा तो है नहीं। जब कोई बात है ही नहीं बताऊं क्या? यूं कह रहा था गोद तो बच्चा है क्या वो? यूं कह रहा था गोद में सरक के लेटी हुई थी अम्मी। मैं तो ऐसे सुन रहा था। बताओ तुझे गोद में सरक के लेटी हुई थी अम्मी। तो मुझे बताओ बेकार की बातें कर रहे हो? मेरे क्यों मार रहे हो? तू क्यों बेकार की बातें कर रहा? तू बेकार की बातें, बेकार तो काम तुम कर रहे हो। मुझे तो लगा मैं तुम मुझे मेरे से बात करना, उधर क्यों वो कर रहे हो तुम? मेरे से बात करना। फालतू बात कर रहा है ये। फालतू बात तो वो करने रहा। मैं सचिन से ना फोन करवा के पूछ लूंगी। मैं बेकार की बातों में जो है इससे जो इसके इसके पीछे क्यों पड़ रहे हो? मुझे लगा था तुम गए होंगे, चले गए। मुझे कहां लेकर जावा है कभी? मेरे एक बार तो माइंड में ये था कि मम्मी को तो लेकर कभी कहीं गई नहीं। आज इस साल हो गए ब्याह को, मुझे तो घर में से ना कभी बाहर निकल। अरे जब मैं नहीं गया, मैं नहीं गया, मेरा दिमाग ना खराब करो। जाओ तो यहां से, भागो यहां से। तो ये पहले भी शिकायत मिली थी तुम्हारी? ये पापा को बहुत अच्छे जानता है वो। पहले ही बताई थी मुझे किसी ने? मैंने तुमसे पूछी थी। आवाज नीची आवाज ज्यादा ऊंची। इस उम्र में तुम आवाज दबाने की कोशिश कर रहे हैं। पापा हम भी बड़े हो गए। मैं कह रहा हूं तुझे वही पावे की वही जो तुम्हारी दुकान पर काम करती थी पहले। आवाज नीची, घनी तेज आवाज। पहले भी जो है वही थी, पहले भी है ना। मैंने मुझे जो है उसी पे शक था पहले भी। आवाज नीची। और तुमने जब भी है ना ऐसे बोल बोल के ना चुप करा दिया था। आवाज नीची। मम्मी के साथ मैं तुम्हारे साथ हूं, गलत का साथ तो बिल्कुल नहीं दूंगा। इस उम्र में ठीक नहीं है चीजें।
बड़े बड़े बच्चे है तुम्हारे। क्या नाम है उसका? मैं कह रहा हूँ ज्यादा तेज मत बोले, नाम बताओ पहले उसका, कौन है वो? ये जो फोन में घुस रहे हो ना बार बार, इसके अंदर ध्यान लगा रहे हो, ये चीजें ना अपनी छुपा रहे हैं। तुम इनके साथ रहते हो ना, उन्हें भी तो कुछ ना कुछ पता ही होगा तुम्हारी हरकतबाजी का। यहाँ से जाते हो और वहाँ जाना, ऐसे काम करते हो। बोल नहीं रहे, कुछ बोल नहीं रहे। अब लग रहा होगा ना कि मैं नहीं कर रहा रोटी वोटी, मुझे लगा तुम थे साथ में। मुझे कहाँ लेके जाना है ये? कौन है बाबा बताओ भाई? मैं तो कहते रहो मुझे वहाँ घुमा दो, यहाँ कर दो, तो टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं है, टाइम नहीं है। पार्क में घूमने के लिए टाइम कहाँ से मिल रहा है? बताओ, मैं नासिर से पूछूंगी कहाँ जाते हैं तेरे पापा। देखो मैं तो कुछ बोल नहीं रहा, तुम्हारी आपस की बात है, बोलता हुआ तुम आपस में देख लो क्या बात है। मैंने बता दी, उसका फोन आया था, उसने भी बताया था ऐसे ऐसे करके बात थी, पार्क में बैठे था। मैं नहीं बढ़ता था, बीच में ना बोल रहा हूँ। क्या है ये, क्या है? इतने बड़े बड़े बच्चे हो रहे हैं, इनका ऐसा अच्छा लग रहा है? मेरा जो है दिमाग खराब हो रहा है, बोल रहा था कौन दो मुझे? जा दा कौन दो ना, कोई फोन मत हट, कोई फोन मत हट। मैं कुछ चुन के मुझे दिखाओ, किससे पूछेगी? किसी से फोन करो, मैं फोन करूंगी। ओ तब्बू इधर आ जा, तू कौन दो इधर आ जा, दिमाग ना खराब है। कौन दो मुझे? मैं नहीं आ रहा किसी से। कौन दो पहले मुझे, कौन दो? ओ इधर आ जा, दिमाग खराब है, फालतू बातें, फालतू बातें क्यों? तो फोन तो नहीं ले रहे, फोन दो ना। फालतू बातें बता के क्यों गया तू? फालतू की बातें है सारी, वो कहां सचिन को फोन में लग गया? मैं पूछ रहा हूं सचिन को क्यों मिला गया उसके? मैं मुझे लगा तुम बैठे होगे उनके साथ, अम्मी के साथ। अब गलत काम तुम कर रहे हो, अम्मी को धोखा दे रहे हो बिल्कुल। मतलब मासूम शक्ल से देखे, कितने मासूम दिख रहे हैं शक्ल से, अब कैसे कैसे हरकतबाजी कर रहे हैं वो भी ऐसी ऐसी उम्र में, इतने बड़े बड़े बच्चे होने वाले। क्या है फोन में? कुछ नहीं है, फोन में कुछ नहीं है, फोन में कुछ बेकार की बात है, इसको समझा ले। ये पार्क में बैठने की हमारी उम्र। अच्छा 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 बता दो मुझे पार्क में क्यों फोन दो मुझे तो हट बस पछ पीछे पीछे फोन तो कुछ कर लो आपस में कर लो, हमारा दिमाग मत खराब करो, हम ऑफिस आए हैं, ये चीजें सुनने कुछ नहीं है, चल बेकार की बातें हैं, बिना मतलब में कोई कुछ भी बोल दे, मतलब ऐसा कोई झूठ बोल रहा है क्या? हाँ झूठ 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 बोलते हो, उसे उसे झूठ बोल दिया है ना वो बच्चा, ना ये बच्चा झूठ बोल दिया, उसे झूठ बोल दिया उसे, ये नहीं बिना मतलब की बातें कोई भी लेके बता दे और उसके ऊपर स्टार्ट हो जाए। तो तुम में तो अपनी सफाई में दे दो कुछ, तुम्हारे पास होगा जब दोगे ना कुछ। अब किस चीज की सफाई दूं, किस चीज की सफाई दूं? मैं ये कह रही हूं ये कोई पहली बार का काम नहीं है, मुझे पहले भी सुनने को मिला है। क्या बातें कर रही थी, पहली बार का काम नहीं मिलेगा मुझे? पहले भी ऐसा कुछ सुनने को मिला है कि तुम जो है किसी के साथ है ना घूमते फिरते रहते हो। चुप, हाल तो मत बोले, बिल्कुल चुप, बेकार की मेरे से बात करने की जरूरत ना है, घूमते रहिए। ओ तब्बू इधर आ, इधर आ, इधर आ, ओ बैठ एक मिनट, ये बैठ एक मिनट, बैठ एक बार, इधर आ, क्या इधर आ तुम्हें? मुझे मेरे मैं तो बैठने का मन नहीं कर रहा। अच्छा क्या है चाह तो? अच्छा क्या ये क्या है? मेरी क्या गलती है? उसने फोन किया था बता, मेरा मारने लग रहे बिना मतलब के। सच बात बता, क्या है बिना मतलब की बातें? सच बात ही ये, सच तो उसने मुझे बताया। क्या बताया? कि तुम वहां पार्क में बैठे थे। हां पार्क में बैठ गया, पार्क में बैठ गया। देख लो मैं मेरे ऊपर हाथ उठा रहे हैं मतलब अपनी गलती छुपाने के लिए। मैं नहीं बैठ रहा, नहीं बैठ रहा। इसका क्यों मार रहे तुम? जब नहीं बैठा लग रहे बिना मतलब के बैठा। पूरा बात पूछ लो सचिन से। हां पूछ लो सचिन से, पूछ लो सचिन के बाप से, पूछ लियो सबसे, पूछ ले बिना मतलब की बेकार की बात। अरे क्या है ये, क्या ये रोना पीटना क्या है? ओ तुम आओ सर, इतने बड़े बड़े बच्चे हो रहे हैं, सफाई दे दो ना। क्या कौन है, क्या चक्कर है, क्या बात है भाई? क्यों ड्रामा कर रहा हूँ मैं? मेरा मैं कहीं नहीं गया यार, मैं दुकान से जाता ही नहीं कहीं, मैं तो बुद्धि चलता रहा हूँ। घर में कलेश हो जाएगा, कलेश हो जाएगा। मैं किंतु
आगे खराब हो जाएंगे तेरे पहले ऑपरेशन सारा ट्रस्ट तोड़ दिया अम्मी का और मैं तेरी हड्डी तोड़ दूंगा। मेरी हड्डी तोड़ने से क्या हो जाएगा? अम्मी का जो विश्वास टूटा हो जाएगा। बोला देगा अम्मी रोने लग रही है। क्या ड्रामा है ये? क्यों कर रहा था ऐसा? और सचिन को फोन मिला? मैं अभी पूछ रहा था, मैं पूछ रहा था सचिन से। सचिन को क्यों फोन है? तुम्हारे पास नंबर है, तुम देख लो। चिंटू को फोन मिला है? सब कुछ उसके पास। क्या होगा चिंटू के पास? सचिन से बात करा दूं? हाँ उससे बात करा, उससे बात कराओ। चिंटू से पूछिए कल क्या ना किस टाइम है ना गायब थे दुकान से। डेली गायब रहते होंगे। डेली गायब हूँ। रहते ही होंगे फिर? डेली गायब रहूँ? डेली गायब रहूँ? डेली गायब रहूँ? रहते ही होंगे। डेली गायब तो बकवास करे इतने। डेली गायब रहूँ? तो चोरी ऊपर सीना चोरी भी क्यों लगा इसके पीछे? ये आग लगाने वाला, ये आग लगाने वाला तो झूठ बोला। ये क्या हो तुम? इसका दोस्त भी झूठा, ये भी झूठा। यही यही है भाई, तुम होवे सच्चे, सब झूठे हैं। मेरे को पूछा निकल, नीचे जा, निकल यहां से। मैं क्यों नीचे जाऊं? मैं बैठा रहने ना के लोग। चल तू, चल। तुम कहां जा रहे हो? जा रहे हो कहां? जा रहे हो इतना बड़ा हो सकल से देख ले कितने मासूम दिख रहे हैं। कैरेक्टर भी देख रहे हैं। मैं मजाक कर रहा था। तमीज नहीं है, तमीज नहीं है किसी चीज की। आज दिन प्रैंक, आज दिन प्रैंक। तुझे तुझे ऐसे ऐसे काम पावे? कैसे कैसे काम? तू कौन कौन से गड़े मुर्दे निकाल रहे? ये खुद को ट्रस्ट नहीं है, दूसरे पर दिमाग में कीड़ा कभी नहीं जा सकता। 100 साल का भी आज हो जाए ना आदमी, 100 साल का तुम तो कोई घूम नहीं हो गए। इसकी किसी बात का विश्वास मत करा कर, इसकी किसी बात का विश्वास मत करा कर, इसका कुछ पता नहीं। जब इसने बताया ऐसे बताया। अम्मी भी तो सीरियस होगी। ये थे वहां थे करेक्टर, मासूम सा चेहरा। अच्छा सॉरी, मम्मी उनको पहले भी सुन रखा तुम्हारा। अच्छा घर छोड़ के जा रहे हो? ये मुझे पकाओगे? इतनी अच्छी किस्मत तो है हमारी। इतनी अच्छी किस्मत हो फायदा क्या? पावेगा कुछ ना कुछ। अब तो चल लड़के ना कह दे भाई झूठ है, मजाक है, पावेगा कुछ ना कुछ चक्कर। हां पावेगा, मासूम चेहरा। हमारी इतनी अच्छी किस्मत है। होगा कुछ ना कुछ, थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ होगा कहीं ना कहीं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को आगे के शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाल बटन को दबाकर और इनकी इनके ट्रस्ट के ऊपर भी एक लाइक कर देना।